फागुन का महीना लग चुका था। हर तरफ रंगों की बहार छाई हुई थी। अटारी गांव में माँ काली के मंदिर के बाहर फागुन का मेला लगा हुआ था। राजू उस मेले को देखने अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। राजू, शाम होने से पहले घर आ जाना, मेले में रात गए नहीं रुकते हैं। माँ, आप यही कहती हो कि गांव के बाकी लोग तो देर रात तक वहाँ जाते हैं, फिर आप मुझे क्यों जाने से रोकती हो? हर बात में बहस करनी जरूरी नहीं है, जितना कहा जाए उतना किया करो, शाम होने से पहले मेले में से आ जाना। मगर राजू इस माँ की किसी भी बात को मानने से राजी नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो दोस्तों के साथ कम से कम 9-10 बजे तक तो मेले में घूमेगा। उसने अपने दोस्तों से बात की तो सभी उसकी बात मान गए। राजू ने अपने घर पर फोन लगा दिया। माँ, हम दोस्त लोग मेले में से आने के बाद डिनर बाहर ही करके आएंगे, आने में लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। राजू ने अपनी माँ से बोल दिया था, मगर सबके मन में थोड़ा सा तो डर था कि यदि मेले में कुछ ऊंच नीच हो गए तो घर पर डांट पड़ेगी। अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, हम लोग केवल 9-10 बजे तक ही रुकेंगे, इतनी देर में कुछ भी गलत नहीं होगा। राजू के कहने पर सभी लोग मेले के अंदर चले गए। मेले में अच्छी खासी भीड़ थी, लोग देवी के दर्शन करके आनंद ले रहे थे। राजू और उसके दोस्तों को भी घूमते घूमते शाम हो चली थी। मेला अब रोशनी से जगमगा रहा था, मगर लोगों से वीरान हो चुका था। दूर दूर तक कोई भी मेले में नहीं था, सिर्फ राजू और उसके दोस्त ही मेला घूम रहे थे। राजू यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि दुकानदार और झूले वाले भी चले गए हैं। हम लोग यहाँ पर रुक कर क्या करेंगे, हमें भी चलना चाहिए। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, हम लोग यहाँ रात को देवी के मंदिर में रुकेंगे। सुना है कि लोगों के जाने के बाद इस मंदिर में दूसरी दुनिया के लोग पूजा करने आते हैं, बस उसी चीज का तो पता लगाना है, लोग सच कहते हैं या फिर झूठ। दूसरी दुनिया के लोग मतलब इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, जहाँ पर एक इंसान मौत और मोक्ष के बीच में झूलता है। उसी दुनिया के लोग यहाँ पर मोक्ष की तलाश में आते हैं। अरे यार, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, अब मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम तो कहानी सुनकर ही डर गए, कुछ देर पहले तो तुम भी यहाँ पर रुकना चाहते थे। ये सब केवल एक कहानी है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और आज रात मैं ये साबित कर दूंगा, तुम लोगों को रुकना है तो रुको वरना चले जाओ। कहते हुए राजू उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं रुका। यार ये राजू तो मान ही नहीं रहा, मुझे तो लगता था केवल हमारे घर वाले झूठ बोलते हैं, मगर यहाँ तो सच में कोई नहीं है, अब हम लोग क्या करें? अरे करना क्या है, राजू को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, कुछ देर में उसे समझा कर उसे यहाँ से ले चलेंगे। ये बोलते हुए उसके दोस्त उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब रात का अंधेरा घिराया था, मेले की हल्की रोशनी में ही कुछ धुंधला नजर आने लगा। राजू यार जिद मत कर, वैसे भी 7 बज चुके हैं, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, गांव पहुँचने में भी हमें 1 घंटा लगेगा, चल चल यहाँ से चलते हैं। अरे बस आधे घंटे और, मुझे गाँव वालों को झूठा साबित करना है। कहते हुए देवी की मूर्ति की तरफ वो देखने लगा। कुछ ही पल में देवी की आंखें झपकने लगी। ये देख एक पल के लिए तो राजू भी सहम गया, पर उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी की गई वो सब सजीव होने लगी। देखते ही देखते मेला फिर से शुरू हो गया। अजीब सी लाल रोशनी में पूरा माहौल बहुत डरावना लग रहा था। राजू ये देख, देख ये सब क्या हो रहा है, गांव वाले झूठ नहीं बोलते थे, हमें यहाँ पर अब और नहीं रुकना चाहिए, चल चल भाई यहाँ से निकलते हैं। ये पूरा नजारा देख अब राजू की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, वो भी सोनू की बात से सहमत हो गया था। तीनों उस मंदिर से बाहर की ओर जाने लगे। बाहर आकर देखा तो मेला भी पूरी तरह से बदल गया था, हल्की लाल रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही वो हल्की लाल रोशनी भी पूरी तरह से गायब हो गई और पूरे मेले में अंधेरा छा गया। आवाज आ रही थी तो केवल कुछ पत्थरों के आपस में घसीटने की, ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिंदा हुई मूर्तियां जमीन पर अपनी ओर घसीट कर चल रही। वे लोग बुरी तरह से डर गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या करें। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। भागो भागो, यहाँ से पीछे मुड़कर भी मत देखना। जैसे ही सोनू ने कहा वो लोग भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद वो भागते हुए गिर पड़े। जैसे ही उन लोगों ने उठने की कोशिश की तो वे लोग एक झूले की बोगी में थे। उस झूले में अचानक लाइट जल गई और झूला अपने आप चल रहा था। वो लोग जोर जोर से चीखने लगे, मगर झूला रुकने की बजाय और तेज चल रहा था।
कुछ देर बाद एक झटके से झूला रुक गया और वो तीनों जमीन पर गिर गए। तीनों जैसे ही खड़े हुए उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जमीन थी ही नहीं, वे लोग हवा में लटक रहे थे। हमें तेरी बात नहीं माननी चाहिए थी, तेरी वजह से हम लोग इस मुसीबत में पड़ गए। घर पे भी हम सब लोग देर से आने का बोलकर आए हैं, तो वो लोग भी हमें ढूंढने नहीं आने वाले। हाँ, और नहीं तो क्या, हम लोग कितनी ऊंचाई पर हवा में लटके हुए देखकर ही जान मुंह को आ रही है। यदि यहाँ से नीचे गिरे तो ऐसे ही मरना तय हो गया। अरे मुझे नहीं पता था कि लोग जो इस मेले के बारे में कहते हैं वो सच है, वरना मैं कभी तुम लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आता। अब मुझे ब्लेम करने के बजाय सोचो कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई, ऐसे ही हवा में लटके रहोगे या यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, हमारे पीछे पीछे आओ। कौन है ये, किसकी आवाज है? मैं भी बरसों पहले इस मेले में फंस गया था और आज भी समय चक्र में फंसा हुआ। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी इस समय चक्र में फंसे। तुम भी यहाँ से निकल जाओ और इस वक्त चक्र को बंद कर दो। समय चक्र को बंद कर दे, मगर कैसे? तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा, वहाँ पर एक समय चक्र बना हुआ है, उसे उल्टा घुमाकर हमेशा के लिए दीवार के अंदर गाड़ दो। अगर आने वाले 10 मिनट में तुमने ये सब कुछ कर दिया तो ठीक, वरना तुम भी समय चक्र में फंस कर रह जाओगे। हमें वापस मंदिर की ओर जाना होगा। लेकिन मंदिर में क्यों? वहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ जिंदा होके बैठी हुई हैं। हाँ, उस ओर जाना मतलब तो मौत के दरवाजे पर जाने जैसा है। वहाँ गए तो इतनी उम्मीद तो है कि हम लोग वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, वरना इस समय चक्र में फंस कर रह जाएंगे। मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आया तो मैं ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना। कहते हुए राजू मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तेज हवाएं और मूर्तियां उसे डरा रही थी। एक मूर्ति ने तो आगे बढ़कर उसका पैर पकड़ा और उसे दोबारा हवा में तेजी से ऊपर तक उछाल दिया। कोई भी उस समय चक्र को नहीं रोक सकता, तुम अब हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुके हो। हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। ये माँ काली का मंदिर है, बुराई का नाश करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली। हे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे इस मंदिर में हर वक्त कोई भी भक्त बेफिक्र होकर आ सके, उसे इस समय चक्र में फंसने का डर कभी ना हो। कहते हुए वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, मेले की रोशनी कभी चालू तो कभी बंद हो रही थी। सारी मूर्तियां उसके आसपास आ गई, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पीछे मुड़कर देखो, जैसे ही उसने इस आवाज की ओर देखा, हवा में एक त्रिशूल उड़ते हुए आ रहा था। राजू ने हवा में उछलकर उस त्रिशूल को पकड़ लिया। जैसे तैसे वो उस त्रिशूल को उन मूर्तियों से छिला जा रहा था। मूर्तियां वापस दीवार में जा रही थी। देखते ही देखते वो उस वक्त चक्र के पास पहुंच गया और उसने वो चक्र उल्टा घुमा दिया। बची हुई सारी मूर्तियां भी दीवार में समा गई और वो समय चक्र भी हमेशा के लिए दीवार में समाहित हो गया। अब उस फागुन के मेले के पुराने रंग फिर से लौट आए थे।